आज कुछ अपडेट्स हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी और जो उसका इंटरनेशनल कॉलेज है उस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज कुछ अपडेट्स हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी और जो उसका इंटरनेशनल कॉलेज है उस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें डीएमयू इंटरनेशनल जो कॉलेज है, डिमांडफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल सेंटर है, कॉलेज है जहाँ पे पाथवे प्रोग्राम करवाए जाते हैं, यानी लीडिंग टू या प्रोग्रेशन टू जो है यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम जो होते हैं, 3 ईयर्स बैचलर्स में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के लिए जो स्टूडेंट्स की ऑलरेडी इनरोलमेंट्स होती थी उसमें जो अपडेट्स हैं उन्होंने नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट में, जिन स्टूडेंट्स ने फीस पे की हुई है, नॉर्मली पहले प्रोसीजर ये था कि आप 70-80% जो फीस है वो पहले पे करते थे और उसके बाद बाकी फीस वहाँ पे जाके कुछ मंथ के बाद पे कर देते थे, तो अब ये वाला सिस्टम जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब आपको फुल फी की जो पेमेंट्स हैं वो एडवांस में पे करनी पड़ती हैं बिफोर इशुएंस ऑफ योर कैश। तो और ये उन लोगों पे भी अप्लाई होगा जो ऑलरेडी कैश ऑब्टेन कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है या इनरोलमेंट है उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो अपनी रिमेनिंग फ़ी जो है वो जमा नहीं करवाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, इसमें केपीके और आज़ाद जम्मू कश्मीर जेके के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैड न्यूज़ ये है इसमें कि यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल सेंटर है उन्होंने जो है उनके ऑफ़र्स या उनके अगर किसी स्टूडेंट्स ने ऑफ़र्स लिए भी हैं या जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं उनकी उन्होंने एंट्री बंद कर दी है, उनको सस्पेंड कर दिया ड्यू टू सम कंप्लायंस इश्यूज़ के उसमें कुछ फेक डॉक्यूमेंटेशन उनके सामने आई हैं, तो उन्होंने इन दो एरियाज़ के जो लोग हैं उनके लिए फ़िलहाल अपनी ऑफ़र जो है इशू करने बंद कर दिए। तीसरा, इसमें जो मेन है वो है अकोमोडेशन के हवाले से कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो 30 माइल रेडियस में होनी चाहिए डीएमयू के, अगर इससे दूर है तो वो आपको जो है वो ऑफर इशू नहीं करेंगे या कैश इशू नहीं करेंगे। तो एक तो ये जहन में रखें कि आपको उसके 30 माइल रेडियस में जो है वो आपने रहना है उसकी अकोमोडेशन के हवाले से। अब इसके साथ साथ जो है रिक्वायरमेंट्स थी, जो परसेंटेज थी फाउंडेशन प्रोग्राम या इंटरनेशनल ईयर ज़ीरो के लिए, कि उसमें पहले आपको जो है 45% पे भी एडमिशन मिल रहा था, अब जो है वो 45 नहीं है, उन्होंने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 50% कर दी है कि आपकी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है इंटरमीडिएट उसमें 50% अगर मार्क्स होंगे तो देन जो है वो आप एलिजिबल होंगे इनके इंटरनेशनल ईयर जो ज़ीरो होता है, जो फाउंडेशन ईयर जिसको हम लोग कहते हैं। इसके साथ साथ जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करते थे ये, उसमें मैक्सिमम पहले 3 अटैम्प्ट होती थी कि 3 में आप पास कर लें, लेकिन अब उसको इन्होंने कम करके 2 पे ले आए हैं। अगर किसी स्टूडेंट की जो है वो 2 में भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास नहीं होता तो उसका भी जो है वो ये एडमिशन जो है वो कैंसिल कर देंगे। और इसके साथ साथ जो था हमारा जो स्कॉलरशिप्स होती थी, उस स्कॉलरशिप्स में बेसिकली जो है वो अब इन्होंने 2000 मैक्सिमम स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं कि 2000 स्कॉलरशिप से ज़्यादा नहीं वो दे रहे। और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ELT इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सर्विसेज थी, वो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड कर रहे थे वो अब जो है वो टेस्ट इन्होंने लेना बंद कर दिए हैं। उसके लिए आपको किसी सेंटर बेस्ड टेस्ट की जो है वो ज़रूरत होगी, आप किसी सेंटर में देख बैठ के जो एग्ज़ाम्स दोगे जो रिकग्नाइज सेंटर्स होते हैं तो देन तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज जो आपका टेस्ट है वो उसको ये जो है कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये थी DMU इंटरनेशनल कॉलेज के हवाले से कुछ अपडेट्स जो आप तक पहुँचाना लाजमी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के जो जनरल इनटेक है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।